turnout is against the propaganda of government of India. ये बदकिस्मती से government of India ने जो turnout का इस्तेमाल किया यहाँ फैलाने के लिए कि लोग बहुत खुश हैं, लोग मुतमैन हैं. देखिए किस तरह 5 अगस्त के बाद लोग जोग बगजोग इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं. ये मरकज की हकूमत का कसूर है कि श्रीनगर और आसपास के इलाकों में हमें टर्नआउट कम देखने को मिला. बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां 2014 में इससे ज्यादा वोट पड़े थे और इस बार कम हो गए हैं, तो इसके लिए मरकजी हुकूमत को जवाब देना होगा. बीजेपी से तो हम और कोई उम्मीद करते नहीं है. नेशनल कॉन्फ्रेंस वो तंजीम है जिसने पिछले 35 साल में हजारों की तादाद में कुर्बानियां दी हैं. हमें अगर पाकिस्तान के एजेंडा के मुताबिक चलना होता, हम 35 साल पहले चलते, फिर शायद मेरे 4,500 से ज्यादा साथी जो हैं वो कुर्बान नहीं होते. अब चलिए, अगर अमित शाह साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस की उन कुर्बानियों को नजरअंदाज करना चाहते हैं, मैं इसमें क्या कर सकता हूं. सुना, वो हमें क्यों कह रहे हैं, वो मरकज को कहना चाहिए. हमने थोड़ी ना बैन लगाया है. जिन्होंने बैन लगाया है उनसे बात करें. जहां तक मेरी जानकारी है मैंने वही सुना है. चले, थैंक यू.